हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का 7th लेक्चर है। इसमें आज हम डिफरेंट कंडीशन में टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। तो आप एक एक करके नोट करें, जो है लिखिए। जरा देखिए, ये हमने ऑसिलेशन इन यूट्यूब है, एक ही यूट्यूब बना रखी है। इसमें ये लिक्विड फिलअप है, ठीक है ना, लिक्विड कोई भी हो सकता है। इन दोनों का लेवल, ए इसमें लेवल है, बी इसमें है, नेचुरल है, ये दोनों लेवल सेम होंगे, ठीक। ये एरो लगा के यहाँ लिख दिया है लिक्विड। इसमें जो यू ट्यूब है, इसके कर्वेचर को इस डेरिवेशन में आपके यहाँ निग्लेक्ट किया गया है। इसकी लेंथ एल ले ली है, यानी कि लिक्विड कॉलम की जो टोटल लेंथ लेंगे वो 2L लेंगे। एल ये वाली लेंथ और एल इधर की लेंगे, ये निग्लेक्ट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको क्या किया कि यहां से इसको वाई डिस्टेंस पर इसको वाटर को या लिक्विड को कंप्रेस कर दिया, यानी ए लेवल से वाटर को कंप्रेस करके ए डेस पर ले आए हैं। नेचुरल है कि जो लेवल वाटर लिक्विड का यहाँ पर बी पर था लेवल, वो बी से बी डेस पर पहुंच जाएगा। तो जो डिफरेंस हो गया लेवल का, अब इसमें वो 2y हो गया, क्योंकि यहां पर लेवल ए डेस पर आ गया, यहाँ लेवल बी डेस पर आ गया। वाई डिप्रेस करने पर ये वाई और ऊपर उठ गया, तो टोटल 2y हो गया, ठीक। अब ये जो 2y का जो लिक्विड का कॉलम है, ये क्या करेगा, इसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा। इसका जो वेट होगा वो इसको ऑसिलेट कराएगा, टू एंड फ्रो मोशन कराएगा। उसका टाइम पीरियड का कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो वो अनबैलेंस फोर्स लिखा है जो वहां पर डाल रहा है, यही रिस्टोरिंग फोर्स है, अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द होल लिक्विड, ठीक। पूरे लिक्विड को ये मोशन में देगा। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स है, ये वेट ऑफ द लिक्विड के इक्वल होगा कॉलम ऑफ द हाइट 2y, जो 2y की हाइट का कॉलम है उसके लिक्विड के वेट के इक्वल होगा, ठीक। वेट किसके इक्वल होता है, माइनस mg, माइनस लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स में, हमेशा लगाएं। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया को यहाँ s लिया है और नीचे नोट किया है कि s क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ओके। 2y जो है वो इसकी हाइट है, तो ये वॉल्यूम बन गया 2y into s, डेंसिटी मल्टीप्लाई किया, g मल्टीप्लाई है। अब मास निकालेंगे टोटल लिक्विड का जो इसको ऑसिलेट कराएगा, वो आप इससे निकालें। यल लेंथ यहां पर है, यल लेंथ यहां पर है, टोटल लेंथ 2l हो गई। एरिया क्रॉस सेक्शन s लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो ये मास हो गया। अब एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपान मास। फोर्स जो रिस्टोरिंग है वो आप यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये वाला मास को इसमें डिवाइड कर दें तो एक्सीलरेशन में अदर पैरामीटर कैंसिल होके माइनस जी ओवर एल इंटू वाई हो गया। अब आपको मालूम है SHM की डिफिनीशन से एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होगा, इसलिए ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगी। इससे ओमेगा रूट जी ओवर एल हो गया और टी इज इक्वल टू 2π रूट एल ओवर जी बन गया। लेकिन यहाँ पर लेंथ ध्यान रखना, ये लेंथ एल ये है, ठीक। इसी का एक हमने जनरलाइज्ड ये लिया है जनरल फार्मूला वी ट्यूब के लिए। वी ट्यूब में एक तरफ एंगल थीटा वन लिया है, एक तरफ एंगल थीटा टू लिया है। इसमें लिक्विड फिलअप है सेम जैसे ऊपर वाले में है, और जो ये हमने ब्लू कलर से लाइन बनाई है, इसमें यहाँ लिख दिया है कि इनिशियल लिक्विड लेवल। ये लिक्विड का लेवल जो है वो स्टार्टिंग का है ये वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये लेवल है, ये दोनों में सेम होगा। अब इसको एक्स कंप्रेस कर दिया यहाँ पर, तो नेचुरल है कि एक्स डिस्टेंस ये ऊपर आ जाएगा, ठीक। जो प्रेशर क्रिएट करेगा वो हाइट का कॉलम करता, हाइट ली जाती है प्रेशर में एच रो जी। तो इसलिए जो एक्स आपने यहाँ पर डिप्रेस किया है और यहाँ पर जो ये ऊपर उठेगा, इसमें हाइट यहाँ पर एच वन ले ली, यहाँ पर हाइट एच टू ले ली है, और इन दोनों हाइट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ट्रेंगल बना लिया हमने एच टू की तरफ, यहाँ देखें यहाँ पर हाइट एच टू है, ये एंगल थीटा वन है, तो ये ट्रेंगल बनाया छोटा सा, ये थीटा वन है, हाइट एच टू है, और ये जो आपका हाइपोटेनस एक्स आएगा, ये लेंथ एक्स है। इसमें साइन थीटा वन हो गया आपका एच टू अपान एक्स, इससे एच टू निकाल लिया एक्स साइन थीटा वन। सिमिलरली अगर हाइट यहाँ पर एच वन निकालेंगे तो ये हाइट आएगी एक्स साइन थीटा टू। तो इंक्लाइंड के केस में हमेशा ध्यान रखना कि अगर प्रेशर निकालना है तो हाइट निकालें हमेशा, ठीक है। एंगल जरूर गिविन होगा वहां पर कहीं ना कहीं। तो एच वन एच टू आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई प्रेशर डिफरेंस, जो इन दोनों में प्रेशर का डिफरेंस है वो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर भी जो आपका 2y का कॉलम था, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो प्रोवाइड कर रहा था, ये भी प्रेशर क्रिएट कर रहा था। ये सीधा होने की वजह से प्रेशर में जब एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये फोर्स के इक्वल ही बन जाएगा आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर डेल्टा पी प्रेशर है, एरिया एस ले लिया, ठीक। प्रेशर आपका जो हाइट ले ली एच वन प्लस एच टू, रो जी फार्मूला होता प्रेशर का एच रो जी, तो एच वन प्लस एच टू बाहर रो जी, ठीक। अब फोर्स में
डेल्टा पी इंटू एस हमने लगा रखा है, यहाँ एच वन और एच टू दोनों की वैल्यू ऊपर से पुटअप कर दें, एक्स को कॉमन ले लें आप यहाँ पर, ठीक। अब ये बन गया आपका एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। अब पी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के लगा दें, या फिर एम ए के इक्वल करके आप डायरेक्ट लिख दें। आप ऐसा भी कर सकते हैं एफ इज इक्वल टू के एक्स लिख कर जो के होता है उसकी वैल्यू को अलग कर लें और टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के में रखते हैं, तब भी आ जाते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसी को हमने YouTube के लिए वेरीफाई किया है। अगर थीटा वन थीटा टू 90 डिग्री है, इसमें नेचुरल है कि ये अगर ये YouTube बन जाएगा तो थीटा वन थीटा टू दोनों 90 डिग्री पर आ जाएंगे, ठीक। और जो मास होगा यहाँ पर मास पुटअप करना है वो वहां से लिया है, यहाँ पर लेंथ L और इस तरफ लेंथ L, टोटल लेंथ 12 हो गई, एरिया मल्टीप्लाई कर दिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, इस मास की वैल्यू वहां पर पुटअप कर दें, थीटा वन थीटा टू 90 डाल दें तो ये डेरिवेशन आ जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप नेक्स्ट देखें, ये ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड है, ये बॉडी सिलेंडर ली गई है, ये सिलेंडर नोट किया गया है, सिलिंड्रिकल बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे ये पेन है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ये लिक्विड के अंदर एल डेप्थ जो है इसकी लिक्विड के अंदर है, नीचे यहाँ पर लिख दिया, ये पहला डायग्राम इक्विलिब्रियम का है। दूसरे डायग्राम में हमने इसको वाई डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया नीचे, ठीक। तो डिस्प्लेस्ड इन द लिक्विड एट डेप्थ वाई, अब जो वाई आपने इसको डिस्प्लेस किया है इसमें जो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट लगेगा वो इसको ऑसिलेट कराएगा अप एंड डाउन, ठीक है। नेचुरल है कि जो यहाँ तो बैलेंस था और आपने जब इसको प्रेस कर दिया तो यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट एक्ट करेगा इधर अपवर्ड, ठीक है ना। तो ये ऑसिलेशन करेगा इसके अबाउट, तो बैलेंस में क्या होगा, ये पहले बैलेंस कंडीशन की स्टडी करते हैं। बैलेंस में एरिया हमने क्रॉस सेक्शन एस ले लिया है इसका, ठीक। एम जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अपथ्रस्ट अपवर्ड एक्ट करता है, अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, अपथ्रस्ट हमेशा जो लिक्विड हटाया जाता है उसके वेट के इक्वल होता है। तो इसके अंदर ये जो डिप है ये एल लेंथ है, इसका एरिया एस है, तो जो लिक्विड यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम एस इंटू एल होगा, ठीक है। इसमें वॉल्यूम में डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दे, मास हो गया, जी मल्टीप्लाई कर दो तो अपथ्रस्ट आ गया, इसमें जी से जी कैंसिल कर दे तो मास आ गया आपका इस बॉडी का कितना होगा इसके इक्वल। अब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया है वाई डिस्टेंस डाउनवर्ड, तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना एक्ट करेगा, तो जहां हमने पहले लेंथ एल ली थी अब लेंथ कितनी ले लेंगे, वाई ले लेंगे। हाँ बोलो, माइनस यहां पर जरूर अटैच करें आप, ये यहाँ पर देखें बैलेंस कंडीशन में वेट डाउनवर्ड लगेगा, अपथ्रस्ट ऊपर लगेगा, अपथ्रस्ट हमेशा हटाए गए लिक्विड के वेट के इक्वल होता है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, यानी ये लेंथ है, एरिया एस है, ये वॉल्यूम होगा, इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करो मास हुआ, जी मल्टीप्लाई कर दो तो वेट हो गया अपथ्रस्ट का, ठीक। इसमें से जी कैंसिल करें, मास निकाल दिया, नाउ बैलेंस कंडीशन में जो वाई है आपका रिस्टोरिंग फोर्स लगाने जब आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक, तो ये y इंटू एस ये वॉल्यूम बन गया, डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें, ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास आ गया, g मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ l है वैसे यहाँ पर y हो गया, ठीक है ना। अब इसको एक्स्ट्रा दबा दिया नीचे, कंप्रेस कर दिया तो इतना ये एक्स्ट्रा लिक्विड हट गया y डेप्थ का, तो ये क्या करेगा, ये एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट एक्ट करेगा। आप जनरल लाने से भी समझ सकते हैं, कोई चीज अगर लिक्विड में बैलेंस है उसको दबा देंगे तो अपथ्रस्ट बढ़ नहीं जाएगा, वो ऊपर को एक्ट करेगा, वो अप डाउन ऐसे मूव करेगा, उसी का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आपने रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लिया, ये एम ए के इक्वल होगा, मास की वैल्यू यहाँ पर ये पुटअप कर दें, इससे हमारा एक्सीलरेशन आ गया माइनस जी ओवर एल इंटू वाई, ठीक। और ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा जी ओवर एल, इससे टाइम पीरियड बन गया टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल ओवर जी, लेकिन एल बैलेंस कंडीशन में ये डेप्थ है जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है। ये फार्मूले हमने सभी एक जैसे बना दिए हैं, सभी में सिंपल पेंडुलम का फार्मूला भी टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एल ओवर जी है, उसी तरह का बना दिया है। वर्टिकल स्प्रिंग पेंडुलम के फार्मूले को भी कल कन्वर्ट किया था एल ओवर जी में, लेकिन सब में ध्यान रखें कि एल क्या है, जिससे किसी भी कम्पिटिटिव लेवल में अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है तो यल यहाँ पर चेक कर लें, यहाँ पर यल ये लेंथ है, सेकंड केस में यहाँ पर जब आपने निकाला इसमें यल ये डेप्थ है, ठीक है ना। तो अलग अलग ध्यान रखें सब में की कितनी है, ओके। अब हाँ, अरे ये जो जब इसको नीचे दबा देंगे तो ये जो वाई डेप्थ है ना इतनी, ये लिक्विड जो डिस्प्लेस करेगी वो इसमें अपथ्रस्ट लगेगा ना ऊपर की तरफ, तो उसका अपथ्रस्ट निकालो, तो अपथ्रस्ट क्या होगा, इसका वॉल्यूम
वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, लेंथ वाई है, एरिया एस है, ये बन गया वॉल्यूम। इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो मास हो गया, जी मल्टीप्लाई कर दो आ गया थ्रस्ट। ओके आगे बढ़े, ये मोशन ऑफ ए बॉडी है ड्रॉप्ड इन ए टनल अक्रॉस द अर्थ। ये अर्थ एक हाइपोथेटिकल डेरिवेशन है, अर्थ के अक्रॉस ये टनल आपने बना ली है, इसमें एक मास को ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप का मतलब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, ठीक। ये इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा। अर्थ के अंदर हम किसी भी जगह पर टनल बनाए, ठीक है ना, सब में टाइम पीरियड का फार्मूला जो हमने यहां निकाला है वो एक ही आता है, ठीक है। आप टनल को कहीं पर भी बना लें अर्थ के अंदर, तो जरा देखें यहां पर केस, आप वहां पर देखिए वाई जो टनल है उसका सेंटर वाई है, डायग्राम में चेक करें, अर्थ का सेंटर ओ है, ठीक। इसी एट एनी इंस्टेंट पर जो मास है स्मॉल एम जो ऑसिलेट कर रहा है वो मास डी पॉइंट पर है, यहां पर है, ठीक। इसकी डिस्टेंस मीन पोजीशन सी से वाई है डायग्राम में, ठीक। इसमें जो मास डी पॉइंट पर होगा तो इसमें अर्थ के सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, कितना होगा mg डेस। आपको ध्यान होगा कि अर्थ के अंदर जाने पर g की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसको कि हमने g डेस से दिखाया है, ठीक है ना। तो फोर्स कितना लगेगा, सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो mg डेस है, लेकिन हमें फोर्स इसके अलोंग निकालना है, ठीक। तो इसका कंपोनेंट ये एंगल थीटा ले लिया, तो रीस्टोरिंग फोर्स एम जी डेस कॉस थीटा, ठीक, माइनस आप लगा दें। अब जी डेस की वैल्यू, तो जी डेस जो यहां पर होगा, यहां पर जो मास लिया जाएगा वो केवल प्रैक्टिकली क्या है कि अगर मास आर डिस्टेंस पर है सेंटर के तो मास इतना होता है, बाहर का ये आउट होगा, ठीक है ना। बाहर का जो मास होता है वो अंदर अपना फील्ड क्रिएट नहीं करता है और ना फोर्स लगाता है, फील्ड नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं होगा, ओके तो यहां पर जी डेस मास की वैल्यू चेक करें, 4/3 πr³, इसीलिए यहां स्मॉल r डाला गया है, क्योंकि केवल इतना मास एक्ट करेगा जो कि इस पर फोर्स डालेगा स्मॉल m पर, अर्थ का ये वाला पार्ट, ठीक। तो 4/3 πr³ वॉल्यूम, ध्यान दें इसमें डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया, ये m डेस बन गया और ये r स्क्वायर हो गया, ठीक। यहां पर r स्क्वायर को कट कर दें तो 4/3 gρ r π हो गया, ओ से डी तक ये r लिखा हुआ है, cos थीटा की वैल्यू यहां से चेक करें y अपान r होगी, ठीक। ये cos थीटा पुट अप करें, g डेस की वैल्यू पुट अप करें तो ये फोर्स आपका ये बन गया, और फोर्स f इक्वल टू ma होता है या af अपान m होता है, ये बन गया फार्मूला आपका, और एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। आप कंपेयर कर लें, यहां से ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट कर लें और ओमेगा आपका आ जाएगा, ये ओमेगा 2π/T के इक्वल होगा, तो टी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये जो डेरिवेशन होता है इसमें ध्यान दें, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, स्मॉल जी क्या होगा, अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी, क्योंकि जी की वैल्यू तो अर्थ के सरफेस पर ही होगी, तो जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, जी एम अपान आर स्क्वायर, ठीक। यहां से स्मॉल जी की वैल्यू या पहले मास की वैल्यू यहां पर डालें 4/3 πr³ρ, यहां पर आर देखिए टोटल आर ही डाला अर्थ का रेडियस, क्योंकि टोटल मास ले रहे हैं, ठीक, और आर ई ए भी है आपका, तो स्मॉल जी की ये जो वैल्यू आई है यहां से जी रो निकाल कर इसमें वैल्यू पुट अप कर दें, ठीक। आप ध्यान दें ये फार्मूला बन गया टी इजल टू 2π √re/g, हमने ये दोनों फार्मूले और ये फार्मूला इसके भी इक्वल होगा, पहले इसे चेक कर लें, स्मॉल जी की जगह हम जीएम अपान आर ई स्क्वायर यहां पुटअप कर सकते हैं, तो ये फार्मूला बन जाएगा टी इजल टू 2π √re/g। जिस समय हम सेटेलाइट का स्टडी कर रहे थे ग्रेविटेशन में, उसके जो टाइम पीरियड का फार्मूला था वो ये आता था re+h³³ gm। इसमें अगर सेटेलाइट नियर द अर्थ हो तो h को हम जीरो कर देते हैं, तब आपका सेटेलाइट का फार्मूला t = 2π re³ gm ये बन जाता था। ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है, ये तीनों फार्मूले सेम है, ये वाला, ये और ये, ठीक है। और ध्यान रखना ग्रेविटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां आता है कि आप प्रूफ करें कि सैटेलाइट का टाइम पीरियड इसके इक्वल होगा जब नियर द अर्थ हो, समझ गए ना, इसलिए इनका कन्वर्जन आपको आना चाहिए। इनकी जो वैल्यू होती है वो 84.6 मिनट होती है, ठीक है ना, ये ऑलरेडी आप कई जगह यूज कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पर नोट किया है कि जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा टनल में, चाहे आप किसी भी अर्थ के कहीं पर भी टनल को बना दें, यानी अर्थ के आप अगर सेंटर पर टनल को बनाते हैं तो तब भी टाइम पीरियड का फार्मूला यही आता है,
यानी 84.6 मिनट तब भी टाइम पीरियड होगा। लेकिन ये बात नेचुरल है कि अगर कोई टनल यहाँ पर आए और अर्थ के सेंटर पर आए और टाइम पीरियड सेम है, ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, देखिए अपनी जर्नी में ये मीन पोजीशन है और मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला ए ओमेगा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ए उसकी जगह एम्पलीट्यूड लिख दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दें, इस जगह वेलोसिटी इसके कंपेरेटिवली यहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर नोट किया है कि जो वी मैक्स है वो ए ओमेगा के इक्वल होगा। ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ से ले सकते हैं, ठीक, जी अपान आर ई। अगर इफ द टनल एट द सेंटर होगा तो कैपिटल ए जो एम्पलीट्यूड है वो आर ई के इक्वल हो जाएगा, देन मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकेंड आती है। ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड का जो फिगर है ये जी उसके लिए भी था, जो आपका कोई जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो नियर द अर्थ है तो तब भी आता था, वहां पर 7.9 समथिंग था, तो उसे ये भी यहाँ 7.9 ही आएगा, उसको हमने 8 किलोमीटर पे लिख दिया है पर सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जो अर्थ का केस है इसमें आप एक पॉइंट पर जरा ध्यान देना, हमने जो टनल बनाई है, हम सेंटर पर ले लें, कहीं भी टनल ले लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर वेलोसिटी जीरो है, ठीक। अगर आप किसी हाइट एच से पार्टिकल को ड्रॉप करेंगे तो इस जगह पर वो वेलोसिटी गेन कर लेगा, ठीक। इस समय ये वेलोसिटी जब गेन कर लेगा, हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, इसको समझने की कोशिश करें, यहां ड्रॉप किया है, ड्रॉप का मतलब है यहां वेलोसिटी जीरो है। अगर हमने हाइट से ड्रॉप किया तो यहां से यहां तक आने में ये वेलोसिटी गेन कर लेगा, तब ये एसएचएम नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात और कि अगर ये एच हाइट से ड्रॉप करेंगे तो टनल में निकलने के बाद जो स्पीड इसकी यहां होगी वही स्पीड यहां पर होगी, फिर ये एच हाइट तक, समझ गया ना, इसके बीच में ये ऑसिलेट करेगा। आपको मालूम होगा कि जब आप ड्रॉप करेंगे, यहां वेलोसिटी जीरो है ड्रॉप करने में, तो यह चीज इक्वल टू क्या बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम कितना हो जाएगा यहां तक गिरने में, 2h/g हो जाएगा ना, इतना टाइम आने में और इतना वापस में, 2 times, इतना इधर भी आने में और वापस आने में कितना हुआ, 4 times हुआ, और फिर यहां से यहां तक आने में टाइम। जरा नीचे नोट करें थ्योरी में कुछ पॉइंट लिखे, इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट हाइट एच, इफ ए बॉल, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि अगर हाइट से ड्रॉप करें तो एसएचएम होगा या नहीं होगा सर। इफ ए बॉल इज ड्रॉप्ड एट हाइट एच और विद एन इनिशियल वेलोसिटी, और विद एन इनिशियल वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख दो √2gh, अगर एच से ड्राइव करोगे तो वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh होगी ना। बॉल विल रीच इन टाइम टी इज इक्वल टू, नोट करें, √2hg, टी इज इक्वल टू √2hg। सो ऑन द अदर साइड It will go out of the earth through the same distance before coming back towards the earth। और एक बात का ध्यान रखना इस चीज का कि यहां पर ये जो आएगा, यहाँ पर ध्यान देना, ये ऑसिलेट करेगा यहाँ पर, अब यहाँ एसएचएम नहीं हो सकता है, समझ, क्यों, बाहर निकलने पर जो फोर्स होता है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल है, ना कि r के प्रोपोर्शनल है, समझ गया ना। एसएचएम की कंडीशन है कि फोर्स प्रोपोर्शनल -r होना चाहिए, समझ गया ना। और आपको मालूम ग्रेविटी के फार्मूला में 1/r² आता है, इसलिए एसएचएम नहीं होगा, ठीक। इस समय जो इसका टाइम पीरियड आता है जब आप हाइट से ड्रॉप कराते हैं उसका डेरिवेशन होता है, हम उसको डायरेक्ट रिजल्ट आपको दे रहे हैं,
अगर देखेंगे किसी कम्पिटिटिव में अगर डालेंगे तो वहां डाल देंगे। लिखिए इन दिस केस टाइम टी, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू फोर रूट। आप फोर का मतलब समझ गए होंगे, हमने फोर को आपको समझा दिया, दो डबल ऊपर और डबल टू टाइम्स नीचे, प्लस फोर रूट आर ओवर जी, इसके मल्टीप्लाई में है जो हम नोट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन से निकलता है ये साइन इनवर्स आर अपान आर प्लस टू एच, साइन इनवर्स आर अपान आर प्लस टू एच, इसमें पावर वन बाई टू। नेचुरल है कि जो अंदर आया इसको ठीक से नोट करना, जो हमने नोट किया है आपको साइन इनवर्स आर अपान आर प्लस टू एच, और टोटल वो रूट में है जो इनवर्स के साथ है। इसमें ये जो आप जो फोर यहां जो यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप समझ गए होंगे, रूट एच ओवर जी यहां आने का, वापसी का डबल, और दो इधर के मिलकर फोर बना। इसी तरह से ये भी फोर है, इसमें अगर फोर से डिवाइड कर दें तो यहां से सेंटर तक आने का ये टाइम है एक पार्ट। दूसरी एक चीज आपको यहां पर आप देख सकते हैं, अगर इसमें हम यहां से ड्रॉप करें तो एच कितना होगा, जीरो रख दो या जीरो, जरा देखो क्या आता है, इसको जीरो रखो तो ये जीरो हो गया, यहां जीरो रखें आर अपान आर वन हो गया, साइन इनवर्स वन बाई टू हो गया, वन का रूट वन रहेगा, ठीक, साइन इनवर्स वन बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, पुराना वाला बन जाएगा। अरे साइन इनवर्स टू नहीं होगा, साइन इनवर्स वन होगा ना, तो वो पाई बाई टू के इक्वल होगा, साइन इनवर्स वन है 91 होता ना, तो यहाँ पाई बाई टू आएगा, आएगा ना, टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा और यही टाइम पीरियड तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। दूसरी बात यहां पर एक बात और समझ ले कि हमने अर्थ के केस में, अगर आपको ध्यान हो कहीं देखिए जरा, इसी में बताइए यहां ये सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है पार्टिकल, स्मॉल आर पर है, जरा बताएं इस जगह पर फील्ड कितना होता है, याद है फार्मूला जीएम अपान अर्थ का रेडियस आर क्यूब इंटू आर, हमने आपको ड्राइव करा रखा है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशन के चैप्टर में कराया है ड्राइव कि अंदर फील्ड कितना होगा, जीएम अपान आर क्यूब इंटू स्मॉल आर होता है अंदर फील्ड। तो जहां पर स्मॉल एम मास का पार्टिकल आपका रखा हुआ है उस जगह पर ये फील्ड एक्ट करेगा, ठीक। अब जरा बताएं फोर्स कितना होगा, जरा बोलो, ये स्मॉल एम फोर्स में मल्टीप्लाई कर दिया करो, जीएमएम अपान आर क्यूब इंटू आर, इतना फोर्स लगेगा, ध्यान दें फील्ड में ये मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आपका फोर्स आ गया, ठीक। यहां पर देखें इतना फोर्स इस पर लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, ये जो फोर्स है इसका इधर कंपोनेंट लेंगे तो कितना होगा, कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। अब हम डायरेक्ट फोर्स यहां पर लिख रहे हैं, माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस जीएमएम अपान आर क्यूब इंटू आर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू बताओ वहां से, वाई अपान आर, ये आर से आर कैंसिल हो गया, ये बन गया जीएमएम अपान आर क्यूब इंटू वाई, ये बना फोर्स, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस के वाई के, तो के इज इक्वल टू कितना आ गया, जीएमएम अपान आर क्यूब। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू टू आई एम ओवर के, मास कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या चला गया, आर क्यूब और नीचे जी एम, ये वाला फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है, ये तीनों एक ही है, ये डेरिवेशन का बहुत शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ये फील्ड का फार्मूला मालूम होना चाहिए। वो कम्पिटिटिव में ये नहीं देते, इतना बड़ा दो लाइन का लिखते हैं कि फील्ड निकालो मास मल्टीप्लाई करो, और ये भी मेथड होता है कि आप एफ इज इक्वल टू के वाई करें या के एक्स करें, के उठाएं और सीधे टी इज इक्वल टू टू पाई रूट एम ओवर के, मास कैंसिल, ठीक है ना, क्योंकि आपको इलेवेंथ में डेरिवेशन करना है, इलेवेंथ में ये दिया है तो वो अलग मैटर हो जाता है डिटेल का, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव के लिए तो वो तो शॉर्टकट मेथड लिया जाएगा, समझ गए ना, तो आप सेकंड मेथड डालकर नीचे नोट कर दें, ठीक है। और ये फील्ड है, समझ गए, हमने फील्ड लिखा है यहां पर, फील्ड एट पॉइंट डी लिख देना, फील्ड
एट पॉइंट टी, और उसके बाद फोर्स लिखें, कंपोनेंट करें और डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर लें। आप समझ गए होंगे डेरिवेशन को, फील्ड लिख दिया एट एनी पॉइंट, उसके बाद फोर्स डायग्राम वही है, इसलिए हमने पैरामीटर चेंज नहीं किए, स्मॉल आर बनाए रखा वहां पर, ठीक है ना, और कॉस थीटा की वैल्यू भी वही रखी है। जो टाइम पीरियड यहां पर आया है वो ये तीनों टाइम पीरियड एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, यानी एक ही है डेरिवेशन, डेरिवेशन का ये मेथड है अलग आपका। नोट किया, लिखा नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ ये जी एम एम अपान आर क्यूब इंटू आर कॉस थीटा लिख दिया, इसके बाद माइनस लगाएं, जी एम एम अपान आर क्यूब आर कॉस थीटा की वैल्यू वाई अपान आर, ठीक है ना, वाई अपान आर पुटअप कर दें। फील्ड आपने नोट कर दिया होगा, नेक्स्ट आप हेडिंग डालें जरा, लिखिए ऑसिलेशन ऑफ बॉल, ऑसिलेशन ऑफ ए बॉल इन द नेक ऑफ एन ई सी के, नेक ऑफ एन एयर चेंबर, नेक ऑफ एन एयर चेंबर, देखिए इसमें एयर फिलअप है, अंदर प्रेशर पी है, वॉल्यूम वी है, और इसका जो यहाँ पर ये जो होल है इसमें एक बॉल को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, अंदर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और बाहर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये पोजीशन कैसी होगी, इक्विलिब्रियम की। डायग्राम बना लें, यहाँ पर लिख दें ये बॉल है, इस बॉल को थोड़ा सा नीचे कंप्रेस कर दो, तब जब नीचे इसको कंप्रेस कर देंगे तो क्या होगा, अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, वो प्रेशर क्या करेगा, उसमें फोर्स क्रिएट करेगा, अप डाउन मोशन करेगा, ठीक, उसका टाइम पीरियड निकालना है। देखिए ऑसिलेशन पीवी अंदर एयर लिख देना, इसको जो डिस्प्लेस किया गया है वो वाई डेप्थ नीचे डिस्प्लेस किया है, ये आप लिख दें, लिखिए वॉल्यूम ऑफ एन एयर चेंबर इज इक्वल टू वी, वॉल्यूम ऑफ एन एयर चेंबर इज इक्वल टू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेक इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नेक इज इक्वल टू ए, ठीक है, इसका एरिया यहां पर जो है क्रॉस सेक्शनल ए है, कैपिटल ए। लिखिए एयर प्रेशर इन द चैम्बर इज इक्वल टू पी, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर प्रेशर इनटू चैम्बर इज इक्वल टू पी, डायग्राम में दिया है पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लिखें एट सम इंस्टेंट Downward displacement of ball at some instant, the downward displacement of the ball from its equilibrium position is y, diagram में given है, y इसे press कर दिया, this will cause a decrease in volume, this will cause a decrease in volume delta V, देखा, and corresponding increase in pressure is equal to delta P,
बस अब मैथमेटिकल वर्क है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रेशर डेल्टा पी, देखिए कितना वॉल्यूम चेंज होगा अंदर आने पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू वाई, लिखिए डेल्टा वी इज इक्वल टू ए इंटू वाई। नीचे नोट करें वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन का फार्मूला डेल्टा वी अपान वी, यानी ए वाई अपान वी, अंदर का वॉल्यूम हो गया चैम्बर का, ठीक। नीचे लिखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बी इज इक्वल टू प्रेशर पी अपान माइनस, इसमें लगता है आपको याद होगा डेल्टा वी अपान वी, इसकी वैल्यू पुटअप कर दें, माइनस से यहां पी लगा दें और डेल्टा वी अपान वी की जगह ये डेल्टा है, इसकी जगह पर ये वैल्यू पुटअप कर दें ए वाई वी, चेक कर लें माइनस बी ए वाई बी, डेल्टा पी निकाल लिया। अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स प्रेशर इनटू एरिया, जो चेंज इन प्रेशर है डेल्टा पी लगा दें प्रेशर में, तो बी ए वाई अपान वी डेल्टा कर दें, यहां पर चेंज इन प्रेशर है तो प्रेशर की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर, बी ए वाई अपान वी और ए का स्क्वायर हो गया, चेक कर लो, बस फोर्स आ गया, चाहे तो के में डायरेक्ट रख दो और चाहे तो एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। तो यहां पर आपने ये कैलकुलेट कर लिया बी ए स्क्वायर इंटू वाई, अब एक्सीलरेशन क्या होगा, फोर्स अपान मास, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपान मास माइनस बी ए स्क्वायर वी इंटू एम इंटू वाई, और ये क्वांटिटी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए स्क्वायर वी एम, ओमेगा इज इक्वल टू रूट वी ए स्क्वायर अपान वी एम, ओमेगा टू पाई वाई टी के इक्वल, तो टी इज इक्वल टू टू पाई वी एम अपान ए, अगर चाहें तो बाहर ले लें, चेक करो 2 पाई वाई ए ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर वॉल्यूम मास, और बी क्या है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर दें, आपको याद होगा कि अगर अंदर आइसोथर्मल कंडीशन हो तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है, प्रेशर के, और एडियाबेटिक हो तो गामा पी के। तो अगर न्यूमेरिकल में कभी आता है, अगर ये आइसोथर्मल होगा तो वाल कंडक्टिंग होंगी, अगर ये एडियाबेटिक होगा तो वाल नॉन कंडक्टिंग होंगी टोटली, ठीक। नोट कर दें, इफ बॉल ऑसिलेट इन द नेक ऑफ चैम्बर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, इफ बॉल ऑसिलेट इन द नेक ऑफ द चैम्बर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, देन बी इज इक्वल टू पी। अब आप प्रेशर समझ गए होंगे, सेकेंड पॉइंट या उसी में लिख दे नीचे, इफ बॉल ऑसिलेट अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, इफ बॉल ऑसिलेट अंडर एडियाबेटिक कंडीशन देन बी इज इक्वल टू गामा पी। ध्यान होगा आपको जो है, दोनों अभी कर रहे थे थर्मोडायनामिक्स में, तो न्यूमेरिकल में आएगा तो उसी हिसाब से आप वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो आपने देखा होगा कि एसएचएम के जितने केस हैं उनमें क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम के एक्स्ट्रा जो फोर्स एक्ट करता है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम करता है, उसको निकालते हैं या फिर इक्वल टू एम ए करो, एक्सीलरेशन निकालो, ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर दो। मेथड सबका एक ही है लेकिन अलग अलग वो है सबके, वो ठीक है ना, डेरिवेशन के फार्मूले अलग हैं लेकिन प्रोसीजर एक ही है सबका, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे केस हैं, ये केस आगे चल के इलेक्ट्रिकल में भी हैं, ट्वेल्थ में भी हैं, ठीक है ना, और वहाँ भी निकाले जाते हैं। हालांकि वो जो एसएचएम की कंडीशन है वो बोर्ड में नहीं पूछते हैं, लेकिन कम्पिटिटिव में वो जनरल है, बहुत है, वहाँ भी हैं कंडीशन, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको कई केस सिंपल हार्मोनिक मोशन के करा दिए हैं,
जिसमें कि टाइम पीरियड के जो है आपने बहुत सारे वो किए हैं डेरिवेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में।